को ये देखा चोरी के चांसेस नहीं है। हाँ जैसे ये सिंगल जिप होती है ना, हाँ, एक इसमें पेन छापी मारी तो ये खुल जाते। ये तो आपने मुझे बड़ी जबरदस्त बात बताई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये नहीं पेन छापी से खुलेगी। नहीं ये सिक्योरिटी जिप होती है, डबल दाना होता है, डबल दाना है, परफेक्ट। और इसकी बॉडी देखेंगे ना, ये अंदर की बॉडी होती है। हाँ वो मूव जैसे इसको फोल्ड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम ये जो रोशनियों का शहर है ना, चलता हुआ दौड़ता हुआ शोर मचाता हुआ ट्रैफिक और ढेर सारी यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, तो इन मार्केट्स में एक बहुत ही मशहूर ज़माना है जिसे कहा जाता है, वो मार्केट में घुसें आप, इट्स अ वर्ल्ड, आपको हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुल प्लाजा की। तो ये गुल प्लाजा जो है बेसिकली बड़े लोग कहते हैं यहाँ होलसेल मिलता है, रिटेल भी मिलता है, बड़ी कम पैसों में सब कुछ मिलता है, क्रॉकरी हो, कपड़े हो, प्लास्टिक का आइटम हो या फिर किचन से रिलेटेड, इसके अलावा कारपेट, रग्स, कुशन और इसके अलावा टेबल रनिंग, यानी यू नेम इट और आपको चीज मिल जाएगी। लेकिन क्या सीन है, क्या वाकई यहाँ पर इतना सस्ता कुछ मिलता है या नहीं, चले जी सैर कराते हैं, देखते हैं क्या कुछ सीन है आज के इस गुल प्लाजा में, 2024 में गुल प्लाजा के क्या रेट्स चल रहे हैं यहाँ पर हर एक चीज के, वो जानते हैं। कहने को मैंने बहुत सुना है कि जी गुल प्लाजा आपने कुछ भी लेना, गुल प्लाजा जहाँ बड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन आज क्या चल रहा है गुल प्लाजा में, मुझे तो नहीं समझ आया। बहरहाल कि रेट्स टू मच हाई मुझे बताए गए हैं, क्या आपको लगता है आपको भी इतने ही बताए जाते हैं या गुल प्लाजा इतना ही महंगा है या नहीं सस्ता भी है, ये देखिए और बताइए, कॉमेंट कीजिए मुझे। यहाँ पर ब्रीफ केस, सूट केस, लगेज सारी चीजें हैं। Let's see. और क्या क्या मिल रहा है, पास स्कूल बैग्स, कितने अच्छे हैं, अच्छे वाले देखो, इसके टॉलर्स कितने अच्छे हैं, पूछना चाहते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर ब्रीफ केस, सूट केस, लगेज आपको सब तरह की वैरायटी मिलेगी। वैसे क्या प्राइस होते होंगे, क्या क्या प्राइजेज हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज में, इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है। इम्पोर्टेड कौन से, ऊपर वाले, बहुत ब्रांड आते हैं मेरे भी। और ऊपर वालों के क्या रेट है, सेट की सिंगल पीस, इसको बंद ही रहने, थोड़ी आवाज बेहतर हो जाएगी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा वाला, अब तो फाइबर वाले चल रहे हैं ना, फाइबर में चल रहे हैं, पीपी कामयाब है, फाइबर में तीन किस्म के ना, यूबीएस है, पीसी है, पीपी है, पीपी बहुत कामयाब, पीपी बहुत कामयाब है। कौन सा पीपी, क्या है पीपी, ये मटेरियल होता है मेरे भी, ये टूटता नहीं, ऊपर वाला जी, और फाइबर कौन सा होता है, फाइबर इस तरह की कड़क आता है देखिए ये, हाँ इसमें टूटने की, लाइट कलर वाला, हाँ मगर ये टूटता नहीं, जो पीपी बॉडी होता है जितना भी मोल है मुझे टूटता नहीं है। अच्छा वैसे मुझे देखने में तो दोनों ही सेम लग रहे हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पीपी और फाइबर में, तो इस तरह के होगा ना देखो। और इसकी क्या प्राइस है पीपी वाले की, ये तीन पीस की सेट है 40,000 रुपए के, ये है डबल जीप ओरिजिनल टेसियल लॉक में, ठीक है इसमें बड़े वाले क्या है, कितना बता रहे, ये फ्लेक्सिबल है, ये टूटने वाले नहीं है मेरे, नाइस। और क्या प्राइस बता रहे, इसके सेट है तीन पीस की है 40,000 रुपए, क्या बात कर रहे हैं 40,000, तो मेरी बहन ये बहुत महंगा है भाई, ये इम्पोर्टेड में लोकल प्रोडक्ट भी है ना, लोकल इस तरह के होते हैं ना, ये देखे ये 22,000 रुपए के तीन पीस, ठीक है कोई सिंगल लेना चाहे सिंगल देते हैं, फिर सिंगल भी दे देते हैं जी हाँ। बैग्स में आपने देखा, क्योंकि ऑब्वियसली अब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, कैसा बैग लेना वैसा बैग लेना, तो गुल प्लाजा में एक्चुअली स्कूल बैग्स कैसे मिल रहे हैं और उनके क्या क्या रेट्स हैं वो जानते हैं। अच्छा ये मुख्तलिफ स्कूल बैग्स हैं यहाँ पर, अब क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है तो बैग्स लेने बच्चों के आएंगे पेरेंट्स, तो बताएं जरा क्या क्या प्राइस है, तो छोटी क्लास के बच्चों का है, जैसे ये छोटी क्लास के बच्चे का ये आपको पड़ेगा 2,000 रुपए का वन पीस, इतना सा 2,000 का, इसके साथ छोटा सा पाउच भी इस तरह होते हैं, छोड़े उसे उस पाउच का क्या करना है, और बड़े बैग्स के फिर क्या प्राइस है, डिस्काउंट देते हैं जी जी हाँ, मैं तो वन का लेके जाऊंगी सेट के ऊपर, और ये 25 का, ये 25 का, हाँ 2500, ओह आई लव इट, ये अच्छा लग रहा है।
ये 25 का है, ये 3000 का है, ये 3000 का है, स्मॉल है वो, मीडियम है, ठीक है, लेकिन वो आप देंगे 2000 का, है ना? 25 लास्ट हो जाएगा, 25 लास्ट हो जाएगा। अरे भाई बड़े अकड़ू हैं आप तो, बिल्कुल कम नहीं कर रहे। और इसके अलावा यहाँ पर ये वैनिटी बैग्स भी हैं, जैसे ये 3-piece सेट होते हैं, ये देखो, ये तो इसमें कलर 3 कलर मिल जाएंगे, ये देखो, ये स्मॉल, वो लार्ज है, और ये मीडियम साइज है, 3-piece सेट होते हैं इस तरह के। ये तो दो है ना, तीसरा का है लार्ज साइज है। अच्छा ये बिग साइज, तो ये अगर कोई एक लेना चाहे, एक 1200 के, दूसरा 1500 के, और ये 2000, ये 2000 का है, ओके। अच्छा ये ट्रॉली बैग्स है, ये स्कूल ट्रॉली बैग्स है ना, बच्चों के कैरेक्टर वाले, कैरेक्टर वाले। और ट्रॉली बैग्स कितने के दे रहे हैं? जैसे ये बड़ा साइज है ना, ये 5500 रुपए का, ये 5500 का है, ये इम्पोर्टेड में है, मैं लोकल में हमारे पास नहीं है, इम्पोर्टेड है। कैसे पता चलता है इम्पोर्टेड लोकल की पहचान क्या है? जैसे इम्पोर्टेड में देखेंगे ना, इसका जो स्टफ है इम्पोर्टेड, और पीछे पैडिंग देखेंगे ना, लोकल की पैडिंग यहाँ नहीं होगी, डायरेक्ट ट्रॉली होगी, डायरेक्ट ट्रॉली होगी, जिससे बच्चे को चुभेगी, चुभेगी भी और टूटने के भी जल्दी चांसेस है। और पंचिंग व्हील होते हैं, जैसे इसमें देखेंगे ना नीचे से, ये पंच मशीनी रैबिट पंच होते हैं, उसमें स्क्रू लगे होते हैं। तो आप 5000 कह रहे हैं? 5500। कितने में लास्ट दे देते हैं? लास्ट 5 तक दे देंगे, लास्ट साइज बड़ा साइज 5 तक में दे देते हैं, ओके। और क्या डिफरेंट है आपके पास फाइबर बैग का बताएं आप? हमने दो तरह के देखे कि फाइबर के अलावा भी होता है, जैसे ये देखेंगे ना, ये बी एस शीट होती है, इसमें ये शादी ब्याह के लिए होते हैं, ब्रेक का चांस होता है इसमें, इसमें ना टूटने वाले भी ब्रांड होते हैं, तो ये ब्रेक हो सकता है। अच्छा, और इसकी क्या प्राइस है? ये 15000 रुपए का, 3 पीस, 15000 के 3 पीसेस हैं। अच्छा, और ब्रेक कब होते हैं? लाइक जोर से फेंकने पे, ज्यादा लोड देने पे? ज्यादा लोड होते हैं फेंकने से होते हैं, ऐसे नॉर्मली कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यूजुअली ये होता है जब हम प्लेन वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे चांसेस होते हैं उठा उठा के फेंक देते हैं, लेकिन ये शीट यूज होती है, अनब्रेकेबल शीट, अनब्रेकेबल पीपी वाली बॉडी देखेंगे ना, जैसे ये देखेंगे इसकी जो जिप होती है ना, सिक्योरिटी जिप होती है, पेन चाबी से नहीं खुलेगी, कैसे सिंगल जिप है, पेन चाबी से नहीं खुलेगी, जैसे सिंगल जिप को ये देखें, चोरी की चांसेस नहीं है। हाँ, जैसे ये सिंगल जिप होती है ना, एक गार्ड होता है, इसमें पेन चाबी मारी तो ये खुल जाते हैं। ओह माय गॉडनेस, लॉक लगा हुआ, ये तो आपने मुझे बड़ी जबरदस्त बात बताई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये नहीं पेन चाबी से खुलेगी। नहीं, ये सिक्योरिटी जिप होती है, डबल दाना होता है, डबल दाना है, परफेक्ट। और इसकी बॉडी देखेंगे ना, ये अनब्रेकेबल बॉडी होती है, हाँ, वो मूव जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो हाँ फ्लेक्सिबल है, ओके। अच्छा, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो अफोर्ड कर सकता है ये वाला ले ले, मेरे ख्याल से वो जो फाइबर वाले, ये जो आप बता रहे हैं 15000 के 3 पीसेस आप दे रहे हैं, डिफरेंट 3 साइजेस के। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अगर तो मेरे सामान में ज्यादा कोई ऐसा सामान है जो टूटने वाला है, लाइक ज्वेलरी, हील्स, मुझे बहुत टेंशन होती है, तो मैं उस पर फ्रेजाइल लगवा लेती हूँ, ताकि वो उठा के फेंके नहीं, क्योंकि यूजुअली प्लेन में फेंकते हैं। फिर सस्ता लेके ये भी काम कर सकते हैं, जो कि मैं सस्ते वाला बता रही हूँ। और ये भी वैसे है तो वैरायटी आपके पास बहुत अच्छी, कितने कलर्स हैं, कितने डिजाइंस हैं, लेकिन थोड़ा सा कम अगर आप करें ना, तो डेफिनेटली लोग ले सकते हैं। ओरिजिनल ब्रांड भी मिल जाएंगे, ओरिजिनल ब्रांड के भी है, कहाँ है? डेल से ये मॉडल है, कार्टून भी नजर आ रहा है, ये मॉडल है कपड़े में, डेल से ब्रांड पेरिस का है, बनता है ओनली चाइना। अच्छा, लेकिन अब तो ये वाले ओल्ड स्टाइल लगने लगे ना, भी है। हाँ, फाइबर में भी है, जैसे ये आजकल स्टाइल में है। थैंक यू सो मच। अभी गुल प्लाजा में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि गुल प्लाजा बहुत बड़ा है, गुल प्लाजा इज अ वर्ल्ड, जहां आपको सब कुछ मिल सकता है, ये शॉपिंग मॉल यानी एक वीडियो में काफी नहीं है, तो इसीलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, क्या कुछ मिल रहा है गुल प्लाजा में, किन रेट्स पर है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ब्राइडल फुल इन्होंने डिजाइन डिस्प्ले किया हुआ है, क्विल्ट है, बेडशीट है, पिलो कुशन्स, राउंड पिलो, और यहाँ पर ब्लैंकेट्स की वैरायटी ही वैरायटी है।